नमस्ते सभी को। मैं पंजाब के खन्ना शहर में रह रही हूँ इस टाइम, और मेरे परिवार में मैं, मेरे दो बच्चे, मेरे पति, मेरे मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ है। और परिवार की जिम्मेदारी के साथ यहाँ एक कॉलेज की जिम्मेदारी भी बतौर डायरेक्टर मैं निभाने का प्रयास कर रही हूँ। यूएचवी से मेरा जो संपर्क है 2014 में हुआ था, जब मैंने अपने कॉलेज में 8 दिन का ऑफलाइन वर्कशॉप करवाया था। क्योंकि मैं पहले ही रिलीजियस थी, इसलिए यूएचबी के सभी प्रपोजल मुझे जाने पहचाने से लगे थे और बहुत सहज से स्वीकार हो रहे थे, परंतु मेरा मानना बहुत स्ट्रांग था। मतलब मेरा सेल्फ एक्सप्लेनेशन तो स्टार्ट हुआ था, पर वो कंटिन्यू नहीं रहा ना। मुझे लगता था कि ये सब अच्छी बातें हैं, ये तो है ही, बट अपनी लाइफ में उसको एक्सप्लोर करने का काम मेरा नहीं हो पा रहा था। तो मतलब मेरे पास सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी भी थी, कंटेंट से भी प्रपोजल थे, लेकिन मेरे जीने में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा कि बहुत सारे द्वंद हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस भी बहुत सारे थे, और इसके वजह से बहुत सारा इंटरनल रिएक्शंस भी थे, और कभी कभी वो बाहर भी काफी इंटेंसली निकलते थे ना। फिर इसलिए मुझे बहुत सारा गिल्ट भी बनता था कि मैं ऐसे रिएक्शन करती हूँ, और फिर उस वजह से मेरी कई बार परिवार से और आसपास लोगों से बात भी कम होती थी। मतलब शिकायतें भी दूसरों के साथ बहुत सारी बनी रहती थी। तो 2020 में कोरोना के समय मैंने फिर ऑनलाइन वर्कशॉप लगाना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे जितेंद्र भैया के सपोर्ट से फिर मैंने वॉलेंटियरिंग स्टार्ट किया, फिर मॉर्निंग सेशन भी शुरू किया उसी दौरान 2020 में, जब पहला सेशन शुरू हुआ था। और फिर धीरे धीरे टीम की और जितेंद्र भैया की गाइडेंस के साथ ही मैंने कंटेंट को शेयर करने का मन बनाया, और तभी से धीरे धीरे थोड़ा मानने से मैं जानने की तरफ बढ़ पा रही हूँ। मेरा मानना इतना पक्का है कि एक्सप्लोरेशन तो जो एक्सरसाइज एक और दो करते रहे हैं, या कंटेंट को थोड़ा शेयर करने का हो पा रहा है, उसी की वजह से थोड़ा एक्सप्लोरेशन हो पा रहा है। अगर UHP 3 की बात करूं तो मैंने इसको नियमित रूप से लगाया है, कुछ 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 लेक्चर्स ही मैं मिस करे हैं मैंने, पर थोड़ी प्रॉब्लम है घर पर, मुझे मुझे कॉलेज भी जाना होता है और घर में बच्चे, सबका खाना, लंच और ब्रेकफास्ट बनाना होता है, तो मॉर्निंग सेशन में चलते फिरते ही अटेंड कर पाती हूँ। और मतलब दिन भर भी बहुत असाइनमेंट्स भी बैठ कर नहीं करती हूँ, बहुत सारी असाइनमेंट छूटती हैं, मतलब इससे कुछ लिखा भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी बस ये सोचते हुए कि जो भी जितना भी कर कर पाऊँ कर लेती हूँ, तो मैं मॉर्निंग सेशन लगाती जरूर हूँ, और मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान भी देती हूँ, और इसी से जो मुझ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया या मुझे कुछ थोड़ा बहुत समझ आया, तो मैं उसको आज शेयर कर लेती हूँ। आज की शेयरिंग रखने का भी मेरे को अपने यही पर्पस दिखाई दिया कि मैं जो भी कुछ एक्सप्लोर कर रही हूँ, उन सभी विचारों को एक जगह मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, अपने पास लिख लेती हूँ, ताकि मैं अपना कुछ इवैल्यूएशन कर पाऊँ ना, और जहाँ पे मैं गलत हूँ वहाँ मुझे कुछ मार्गदर्शन भी मिल पाए। तो इसी पर्पस के कारण मैंने ये शेयरिंग भी अपनी डिसाइड की थी। तो अगर मैं जो समझ बनी है बिंदु के रूप में, सबसे पहले मानव के बारे में देखो, तो UHP से पहले तो मैं अपने आप को शरीर ही माना हुआ था। UHP 2 और जो एक्सरसाइजेस एक और दो है, उनसे मेरा शरीर के साथ सहअस्तित्व है ना, ये इन्फॉर्मेशन में मेरे पास आया, और फिर थोड़ी प्रैक्टिस के साथ वैचारिक स्पष्टता भी बढ़ रही है, और इसके साथ मुझे जीने में सहजता भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। फिर UHV 3 को लेके देखूं तो थोड़ा शिफ्ट ये दिखाई देता है कि
जो B1 और B2 की एक्टिविटीज है इनकी मतलब विचारिक स्पष्टता बढ़ रही है ना, और थोड़ी सजगता एक्सरसाइजेस करने से जो बढ़ रही है, उससे ये भी ध्यान गया कि जो जीना है अभी मेरा टेस्टिंग सिलेक्शन और एनालाइजिंग कंपैरिजन में ही हो रहा है। बस ऐसा लगता है कि जो टेस्टिंग सिलेक्शन पहले ज्यादा है ना वो सेंसेशंस के साथ प्रिय हित लाभ के साथ हो रहा था, अब उसमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा मूल्य और लक्ष्य का आस्वादन भी बैठ गया है। इसीलिए मेरा मन बनता रहता है कि मैं UHV के प्रपोजल्स को ना एक्सप्लोर करती रहूँ, सुनती रहूँ, तो मतलब मूल्यों की और अपनी भागीदारी की जो थॉट्स हैं ना उनको थॉट लेवल पर ही देखते रहने से ना जो एक्सपेक्टेशन है वो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा गाइडेड हो रही है, और इसीलिए काफी बार मैं अपने में सुख महसूस कर पाती हूँ और मुझे व्यवहार भी अपने विचार भी व्यवस्थित होते लगते हैं, इसलिए कभी कभी शांति की स्थिति भी बनती रहती है। तो इतना मैं थोड़ा थोड़ा ह्यूमन बीइंग के बारे में या अपनी स्थिति के बारे में देख पाती हूँ। नेचर की बात करूँ तो 4 यूनिट्स का जो आपस में म्यूचुअल इनरिचमेंट म्यूचुअल डिपेंडेंस है, और जो 3 यूनिट्स हैं उनका डेफिनेट कंडक्ट है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये UHV 1 और 2 में मुझे थोड़ी क्लियर हुई थी, लेकिन UHV 3 में इन सभी यूनिट्स के जो रूप गुण स्वभाव धर्म परम धर्म है ना, और मेनली तो गुण और स्वभाव में जो अंतर है उसकी स्पष्टता वैचारिक स्पष्टता बनती है। इसी थोड़ी वैचारिक स्पष्टता से जो मेरे फूड का सिलेक्शंस है ना और जो सुविधा का राइट यूटिलाइजेशन है इस पर मेरा थोड़ा ध्यान बढ़ा है। यूनिट्स का थोड़ा थोड़ा राइट इवेल्युएशन होने लगा है, जैसे अपने संस्कारों वश में जैसे तुलसी और सूर्य को जल देती हूँ डेली, तो अभी पहले मतलब तुलसी और सूर्य को जल देती थी तो बस जल देना है इसलिए देती थी, लेकिन अभी मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन है जो उनका कंडक्ट है ना नेचर में और उसके साथ साथ बाकी और जितने भी यूनिट्स हैं और भी पौधे हैं और भी ना मटेरियल यूनिट्स हैं उन सभी का भी कंडक्ट जो है ना कितना डेफिनेटनेस में उसके साथ हो रहा है, मेरे लिए कितना इनरिचिंग है, इस चीज को मैं थोड़ा थोड़ा देख पाती हूँ अप्रिशिएट कर पाती हूँ, और फिर और टोटैलिटी में एक भाव कृतज्ञता का बनता है, तो ये थोड़ा सा इवैल्यूएशन मैं अपने लिए देख पाती हूँ थोड़ी सी स्पष्टता के साथ जब मैं नेचर के बारे में यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करती हूँ। और अपनी इननेटनेस पर भी थोड़ा और ध्यान बना है, ये स्पष्टता मुझ में हो रही है कि मैं निरंतर सुखी ही रहना चाहती हूँ ना, और वो जो निरंतर सुख है वो कहीं बाहर से मतलब अगर मैं देखूँ तो वो टेम्पररी ही है, अपने अंदर अगर भाव सही है और ना समाधान है समझ के बेसिस पर तो फिर मैं निरंतर सुखी हो पाती हूँ, तो ऐसा मुझे ना थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। फिर भी बहुत बार मैं अपने में देख पाती हूँ कि मैं सामने वाले से गलत गलत भाव मिलने पर दुखी हो जाती हूँ ना, और सही भाव के लिए प्रयास तो नहीं करती हूँ पर अगर मिलता है तो मैं सुखी तो होती हूँ, और गलत भाव ना मिले इसके लिए एफर्ट तो होता ही है ऐसा मुझे दिखाई देता है। और एग्जिस्टेंस के बारे में देखूँ तो प्रपोजल जो है ना UHV 1 और UHV 2 में मैंने सुने थे वो मुझे सहज रूप से स्वीकार तो हो रहे थे, लेकिन UHV 3 में टर्म्स की क्लैरिटी है ना इंफॉर्मेशन लेवल पर तो बड़ी ही है, और विचारों में इसका मनन करने से अपने अंदर अच्छी स्थिति भी बनती दिखती है, और जैसे ये विचारी क्लैरिटी हो रही है तो जो भी रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ जो मैंने जो पढ़ा है उसकी भी
क्लैरिटी सही ढंग से होती दिखाई देती है। और जब भी पूजा अर्चना करती हूँ तो अपने जो आराध्य भगवान है ना, उनका इस सृष्टि की व्यवस्था को बनाए रखने में जो भी पार्टिसिपेशन था और जो मानवतापूर्ण आचरण और समाज का कल्याण के लिए जो भी किए हुए उनके एफर्ट्स थे, जो कार्य थे, उन तरफ ध्यान बनता है। और ये भी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी ना ऐसा कुछ करने में सक्षम हो पाऊँ ना, ऐसा कुछ प्रेरणा मुझे भी मिलती है। तो और सहस्तित्व का ध्यान बनने से जिस क्षण भी मेरे अंदर ऐसा कुछ ध्यान बनता है कि सारी सृष्टि शून्य में संपृक्त है ना, तो इस तरह का विचार बनने से एक सहज, एक व्यवस्थित और लय की स्थिति भी अंदर मुझे महसूस होती है। तो एग्जिस्टेंस को लेके इतना थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। ह्यूमन कंडक्ट की बात करूं तो UHV 3 में जो मानवतापूर्ण आचरण को लेकर डिटेल में बात हुई है, उसका श्रवण तो मैं कर पाई हूँ। बहुत सारी बातों का मनन भी हो रहा है, बहुत सारे शब्द हैं, मीनिंग्स भी काफी शब्दों के देख पा रही हूँ, पर सारी बातों को अपने साथ रिलेट करके देखने का काम अभी नहीं कर पाई हूँ। ये भी मतलब इवेल्युएट हो पाता है कि जो मेरा आचरण है वो निश्चित नहीं है। और ये भी दिखता है कि एक्सप्लोरेशन हो रहा है तो पिछले 2-3 महीने से मेरे व्यवहार में थोड़ी निश्चितता बढ़ी तो है। और ये भी एक्सपीरियंस में थोड़ा आता है कि संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व का विचार जब भी हो पाता है ना, तो मेरा व्यवहार, मेरा जो कार्य और मेरी जो पार्टिसिपेशन है वो ठीक ढंग से होती है, व्यवस्थित होती है। जैसे ना मतलब पानी का सदुपयोग है, तो वो मैं अच्छा देख पा रही हूँ कि पहले भी इंफॉर्मेशन रूप में ये होता ही था कि पानी का सदुपयोग करना है, लेकिन व्यवहारिक कार्यों में घर में 3 मतलब वो है, पोर्च है, तो तीनों को रोज धुलवाने का सिस्टम मैं बनाई रखती थी। लेकिन अभी मैं ये देख पाती हूँ कि इतना पानी वेस्ट होता है तो पोछे से भी वो साफ सफाई हो ही जाती है। और इसमें मैं फिर अपने संस्कार को भी देखती हूँ कि बहुत ज्यादा जो साफ रखने का संस्कार है वो मेरे में बना है। इसी के चलते हुए चीजों को देख, इंफॉर्मेशन लेवल पे होते हुए भी मतलब उसको मैं व्यवहारिक दृष्टि से व्यवहार में नहीं ला पा रही थी, बट अभी वो थोड़ा थोड़ा सहजता से हो पा रहा है। अगर एक्सरसाइजेज 1 और 2 के बारे में अपनी बात रखूं तो जैसे कि स्टेप 1 में अपने भाव विचार के प्रति सजग होना थोड़ा सा बड़ा है पहले से, परंतु ये तो अनवरत है और इसको तो कंटिन्यूअसली करना है तो बहुत सारा काम करना है, ये भी दिखता है। बहुत बार तो भाव दिखना हो पाता है पर बहुत बार नहीं भी होता। भाव मुझे सहज स्वीकार है या नहीं, इस पर भी ध्यान बनता ही है। बल्कि भाव के साथ मैं कंफर्टेबल कितनी हूँ ना, मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं, मुझे लगता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन ही यहाँ से शुरू होता है। मैं ध्यान ही यहाँ से देना शुरू करती हूँ जब मैं अपने में अनकंफर्टेबल होती दिखती हूँ ना, तो मतलब यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। जब मेरे को अपने में ना असहजता दिखाई देती है तो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फिर मैं अपने भाव विचार पे ध्यान देना शुरू करती हूँ। अभी तो ऐसा ही लगता है। फिर भाव विचार का निर्णय तो मैं लेती ही हूँ, लेकिन फिर भी जब सजगता नहीं होती, अनअवेयर होती हूँ, तो विचार खुद भी चलते हुए दिखते रहते हैं। फिर मेरा जो सुख दुख है वो मेरे भाव विचार पर ही बेस्ड है, ये भी मैं देख पाती हूँ ना। अगर भाव जो है संबंध व्यवस्था और सहसित्व के अर्थ में है तो फिर मेरा पार्टिसिपेशन और मेरा बिहेवियर ठीक ठाक होता दिखता है। जैसे मतलब मुझे लगता है कि जैसे जैसे सुबह का नाश्ता वगैरह बना के कॉलेज जाना है, पर अगर मेरी जो हेल्पर है वो बिना बिताए छुट्टी ले लेती है और फोन करने पर पूछने पर भी
ऐसा उसकी तरफ से रिस्पॉन्स है कि वो नहीं आएगी, और बहुत टाइम भी काफी हो चुका है। तो अगर मुझ में भाव जो है विरोध का चलता है तत्क्षण, तो उसमें ना तो मुझ में अव्यवस्था दिखती है, अनकंफर्टेबलनेस भी होती है। फिर उसके चलते हुए मैं काम को भी प्रेशर के साथ करती हूँ, और परिवारजनों पर भी ना गुस्सा होना शुरू होता है, और फिर अपनी बॉडी को भी फालतू के इंस्ट्रक्शंस देती हूँ ना, और काफी सारा अव्यवस्थित हो जाता है आसपास ना। तो लेकिन अगर मेरे मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि ये संबंध का भाव बना रहता है कि हाँ कोई बात नहीं, उसको प्रॉब्लम है, एक दिन नहीं भी हो आ पाई तो मैं खुद कर सकती हूँ, थोड़ा हो जाएगा मेरे से, अगर इस तरह का भाव मन में रहता है, तो फिर मैं अपने निर्णय ले पाती हूँ कि क्या काम मुझे मुझसे अब हो जाएगा ना, क्या मैं छोड़ दूँ तो चल जाएगा, क्या मैं हस्बैंड और बच्चों से हेल्प ले लूँ और फिर उनको ना भाव से बोल दूँ कि ये आप कर दो थोड़ा सा ना। तो ये करते हुए सभी अंदर आराम भी रहता है, और फिर सब कुछ हो भी पाता है, और फिर बॉडी को भी गलत इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती, तो फिर वो बॉडी भी थकावट नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे भाव विचार है ना, अगर व्यवस्था में होते हैं है ना, संबंध के अर्थ में होते हैं, तो फिर वो पार्टिसिपेशन और बिहेवियर ठीक ही रहता है, ऐसा कुछ कुछ मैं देख पाती हूँ। इसलिए तो अपनी अपनी तरफ अवेयरनेस, अपने भाव की तरफ अवेयरनेस के प्रति मुझे ना बहुत इम्पोर्टेंस दिखती है। फिर अगर स्टेप 5 की बात करूं कि जो भाव का निर्णय है वो समझ के आधार पर है या मान्यता के आधार पर है, तो अभी तो मिक्स चलता है, बहुत जगह देख पाती हूँ कि मान्यता के आधार पर हो रहा है, और कई जगह नजर आ मतलब बहुत सारी जगह नजर भी आती है कि कहाँ मान्यता है और कहाँ पे समझ के साथ हो रहा है। स्टेप 6 में कौन सी फीलिंग मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है, ये तो काफी स्पष्टता के साथ कह पाती हूँ कि संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व ही मुझे सहज स्वीकार है। इसलिए तो ब्लॉक B1 की एक्टिविटीज पर काम करना जरूरी है, इसकी प्रायोरिटी मुझे दिखती है अपने में। और संबंध का जब भाव मुझ में होता है तो मुझ में हार्मनी बनी रहती है, ये मैं देख पाती हूँ, और जब डिसहार्मनी होती हूँ तब मेरे में विरोध का भाव और वो फीलिंग्स होती हैं जो मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं होती। जैसे जब भी अपनी बेटी के साथ मैं इंटरेक्शन करती हूँ ना, और किसी टाइम ये लगता है कि वो बहुत रिएक्शन कर रही है, और मैंने इस बात को पहले भी उसको बताया था ना, ध्यान दिलाया था, तो लेकिन वो नहीं देख रही है, नहीं समझ पा रही है, तो मेरे अंदर उसके लिए है ना एक रिएक्शन, एक इरिटेशन, एक एंगर का भाव बनता दिखता है। और जब उसके कारण मेरा उसके साथ बात करने को भी उस क्षण मन नहीं करता, या कुछ ऐसी बात मैं बोल देती हूँ जो जो उसको भी ठीक नहीं लगती, तो एक बार हमारा कम्युनिकेशन रुक जाता है, लेकिन बाद में फिर उसको रिफ्लेक्ट करने पर मेरा ये ध्यान बनता है कि जैसे भैया कहते हैं कि उस क्षण मैंने ये समझ ये मतलब मेरा मुझ में ये बन गया कि वो समझना ही नहीं चाहती है ना, वो समझ ही नहीं सकती है, लेकिन फिर ये ध्यान बनता है कि उसकी मुझे मान्यताएं दिखती हैं, और ये दिखता है कि वो समझना तो चाहती है लेकिन अभी वो देख नहीं पा रही है, उसकी मान्यताएं अभी ना वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है, तो फिर वो मेरा जो इरिटेशन है वो खत्म हो जाता है, और फिर मेरा मन बनता है कि मैं उससे बात करूं। और ये भी लगता है कि जितना मैं ध्यान दिला पाऊं उतनी बात करूं, लेकिन अगर नहीं नहीं भी वो ध्यान दे रही है, या मैं नहीं मेरी कॉम्पिटेंस इतनी नहीं है कि मैं उसको ध्यान दिला पाऊं, एक्सप्लोरेशन करा पाऊं, तो कम से कम उसकी बात सुनो। मतलब इस तरह से मैं करती हूँ, और मुझे दिखता है कि ना कि जो मतलब जो फीलिंग्स हैं अगर नेचुरली एक्सेप्टेबल हैं, तो फिर वो मतलब उसमें काफी मुझे सहजता दिखाई देती है। तो नेचुरली एक्सेप्टेबल भाव होते हैं तो फिर संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व ही मतलब मेरे को अपने अंदर फीलिंग ऐसी बनती है, और मैं व्यवस्थित और हार्मनी में होती हूँ, ऐसा मुझे ध्यान में आता है। कहीं कहीं इसी को लेके मैं संबंध का चिंतन भी कर पाई हूँ, एक घटना याद आती है, मतलब वैसे समय की कमी है तो अगर समय रहा तो मैं फिर उसको शेयर जरूर करूंगी, मतलब जिसमें मुझे लगा कि शायद मैं चिंतन किया संबंध का, तो मैं अपना जो व्यवहार है
और अपनी जो पार्टिसिपेशन है उसको ठीक रूप से कर पाई अपने कॉलेज में। तो मैं थोड़ा इसको भी आगे ले लेती हूँ। फिर एक्सरसाइज 2 की बात करूँ तो स्टेप 1, स्टेप 2 जो है कि शरीर से मेरा जो आदान प्रदान है वो हो रहा है, कैसे हो रहा है वो मैं उसको जब भी थोड़ा प्रोसेस को स्लो करके देखती हूँ तभी दिख पाता है, और मैं जब निर्णय लेती हूँ ना तो मैं देख पाती हूँ, लेकिन हर क्षण नहीं देख पाती, और रेगुलरली तो ऐसे मतलब चलता ही रहता है, ये दिखता है कि मैं ध्यान नहीं देती हूँ। और स्टेप 3 में ये दिखता है कि जो संवेदनाओं का पढ़ने का निर्णय है वो भी मैं ही लेती हूँ और इंस्ट्रक्शंस भी देती रहती हूँ, पर वही कि इसका ध्यान हर क्षण नहीं बनता मुझ में, तो जब ध्यान से देखती हूँ तब तब दिखाई देता है। स्टेप 4 में जो चैतन्य और शरीर के बीच की दूरी है, तो मैं संवेदना से अलग हूँ, इसको मैं कहीं कहीं एक्सपीरियंस कर पाई हूँ, संवेदना से दूरी बनाकर मैं उसको देख पाई हूँ। जैसे अभी भी मैंने महीना पहले कुछ ब्लड ब्लड टेस्ट करवाया था, तो सुई जो थी मेरे शरीर में चुभी तो अवेयरनेस के साथ मैं देख रही थी, मुझे दिख रहा था कि जो चुभन है सुई की वो मुझसे अलग है और मैं उसको पढ़ पा रही हूँ, पर जो मैं और शरीर की दूरी है वो स्पष्टता से मुझे नहीं दिखाई देती, मैं देख नहीं पाती उसको क्लियरली। इतना है कि किसी वक्त स्वयं को देखते हुए 2-4 मिनट के लिए शरीर का जो आभास है वो नहीं होता, सुध-बुध नहीं होता, तो फिर इस रूप में ये कंक्लूड कर लेती हूँ कि मैं और शरीर अलग-अलग ही हैं, तो इस रूप में ही कर पा रही हूँ। स्टेप 5 को देखती हूँ कि संवेदना के जो 3 स्रोत हैं, शरीर से होने वाली संवेदना या भौतिक रासायनिक घटना, मैं तो इस जो इसकी संवेदना है वो मुझ तक पहुंच रही है, मैं इसको इंटरप्रेट करती हूँ ना, तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन जो दूसरे का व्यवहार है ये तो पता लगता है कि ध्वनि या स्पर्श से दूसरे के एक्सप्रेशन से वो मुझ तक पहुंचता है, पर वो संवेदना के रूप में ही मुझ तक पहुंच रहा है, ये बस मतलब ऐसे इंटरप्रेट करके ही कुछ क्लैरिटी बनती है, उसको सीधा सीधा नहीं मैं देख पाती कि ये संवेदना ही है, और संवेदना को अर्थ मैं देती हूँ और उसके पीछे मेरे अंदर बनी हुई कंडीशनिंग्स हैं, मेरे टेस्ट हैं, मेरे संस्कार हैं, इन पर भी ध्यान बनता हुआ दिखता है और ये भी बात एनालिसिस करने पर मतलब ये जो सारी बात है कि जो संवेदना है उसको मैं अर्थ देती हूँ और उसके अंदर उसके पीछे मेरा टेस्ट बना हुआ है, कंडीशनिंग बनी हुई है, ये भी तत्क्षण तो नहीं देख पाती लेकिन बाद में एनालिसिस करके मुझे ये समझ में आता है ना, और क्षण क्षण देखने का काम तो अभी बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, और पूरी बारीकी से जो स्टेप नंबर 6 में सारे स्टेप्स हैं ना वो भी नहीं हो पाते हैं, मतलब पूरी घटनाओं का विश्लेषण ही कर पाती हूँ, विश्लेषण में वो स्टेप्स को देख पाती हूँ, बट उस क्षण तो ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिखाई देता, जैसे जैसे मैं बेटी के साथ इंटरेक्शन में देख पाई कि बेटी के द्वारा जो एक्सप्रेशन हुआ ना उसकी संवेदना मुझ तक पहुंची, फिर उसके बाद मुझे मेरा मेरे संस्कार जो कि वो तो समझना ही नहीं चाहती है, उसके तहत जो मेरा रिएक्शन बना, मेरा इंटरप्रिटेशन हुआ, और उसके तरह उसके बाद मुझे गुस्सा हुआ, उसके ऊपर अविश्वास हुआ ना, तो ये सब मैंने ही इंटरप्रेट किया है, ये मैं इस रूप में विश्लेषण तो मुझसे हो पा रहा है लेकिन तत्क्षण नहीं हो पाता कुछ भी, तो मतलब जो स्टेप बाय स्टेप जो ये होना है वो उस क्षण नहीं हो पा रहा है। और फिर जो ना मान्यता आधारित संस्कार है या समझ आधारित संस्कार है ना, तो समझ आधारित जो संस्कार जब समझ आधारित होते हैं तो रिस्पॉन्स कर पाती हूँ, तो इसको एक घटना से मैं समझ पाई हूँ, जैसे मेरी आंख में प्रॉब्लम हुई थी महीना पहले, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी तो वहां पता लगा कि मुझे कैटरेक्ट हुआ है ना, तो जैसे ही ये सूचना मुझ तक पहुंची ना तो मैंने अपने आप में देखा कि ये मुझ में बना कि ये चलो शरीर है
कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, तो मतलब मैं उसको इस तरह देख पाई कि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है, कैसे उसको ठीक करना है उसको देख लेते हैं। तो मैंने आकर बहुत सारा उसके बारे में स्टडी किया कि ये क्यों है ना, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि इतनी कम उम्र में ना हो तो ठीक ही रहता है। तो मैंने फिर उसका आके हल देखा, क्या करना चाहिए, कैसे इसको ठीक करूं, डॉक्टर ने कैसा कहा है वैसा करने का फिर मैंने मन बनाया। आसपास के लोगों ने बहुत कहा कि इतनी छोटी एज में कैटरेक्ट कैसे हो गया, ये तो ठीक नहीं है। पर मैं अपने आप में देख पा रही थी कि मुझ में ये बना रहा कि कोई बात नहीं, शरीर में कोई व्याधि हो भी सकती है ना। तो इस बात की स्पष्टता मेरे अंदर बनी रही, तो फिर मेरा कोई रिएक्शन नहीं हुआ। और मैं अब इसको ठीक करने में क्या प्रयास हो सकते हैं उस पर ध्यान दे रही हूँ। तो मतलब अगर समझ के आधारित होता है तो रिस्पॉन्स होता है, ये मैं ऐसा देख पा रही हूँ। और कहीं कहीं मेरे में ये स्पष्टता है कि ये शरीर है, ठीक कर लूंगी तो अपनी जो यात्रा है ना, कि मुझे समझना है तो इसमें ये काम आएगा, तो मैं इस रूप में उसको उस तरफ ध्यान देने का भी प्रयास करती हूँ। स्टेप 7 जो है कि मेरा होना, शरीर का होना, शून्य के सह अस्तित्व में है, ऐसा विचार मुझ में चलता है ना? और एक एक्सपीरियंस भी मैंने ऐसा अपने में ना, अपनी तरफ से किसी मोमेंट पे विचार भाव, ये भाव अपने मन में लाया, अपने में सह अस्तित्व का भाव बनाकर एक जगह मैंने प्रस्तुति भी की। मतलब मुझे कुछ प्रेजेंटेशन देना था, तो मैं अपने आप में ये भाव कि मैं शून्य के सह अस्तित्व में हूँ ना, और मतलब मैं अपने आप में हूँ और मुझ में है ना वो समझ बनी हुई है। तो ऐसा विचारों विचारों में मैं भाव बनाकर जब वो प्रस्तुति की, और मुझे भाव क्लियर था कि वो मैं प्रस्तुति क्यों कर रही हूँ, तो वो बहुत सहज और तृप्तिदायी हुई। तो विचारों में, मनन में अगर ये होता भी है तो उसका बहुत मतलब अच्छा, वो अच्छा लगता है, बस इतना ही देख पाती हूँ। फिर अगर 4th नंबर पे देखूँ, वैसे टाइम हो गया है, थोड़ा सा फटाफट करके करने की कोशिश करती हूँ। जो मेरी मतलब जीने में, जो मुझे 3-4 महीने में कुछ दिखाई देता है चेंजेस, उसमें मेरा एक्सप्लोरेशन स्ट्रेंथन हुआ है। जो पहले मानना के आधार पर था, थोड़ा थोड़ा अभी मैं एक्सप्लोर कर पा रही हूँ ना। जो मैं और शरीर की क्लैरिटी थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो B1 और B2 की एक्टिविटीज को लेकर एक्सप्लोरेशन हो रहा है। तो मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, जैसे कपड़ों का सिलेक्शन है वो किस आस्वादन के आधार पर हुआ है, उसके मूल में क्या संस्कार बैठा हुआ है, मेरा ध्यान उस पर बना। इसी तरह से फूड के सिलेक्शन को लेकर ना, किस किस क्या आस्वादन बैठा हुआ है ना, वो भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। फिर बच्चों के करियर के सिलेक्शन को लेकर ना, ये मतलब मुझ में क्या ऑलरेडी संस्कार है, टेस्ट बैठे हुए हैं, थोड़ा उस पर ध्यान बना है। ध्यान बना बनता है तो फिर वो जो सिलेक्शन है, संबंध के अर्थ में, भागीदारी के अर्थ में और पर्पस के अर्थ में हो, इस पर भी थोड़ा काम करना हो पाता है। तो ये थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। बच्चों के करियर सिलेक्शन का भी जब विचार करती हूँ, तो वो मूल्य मूलक हो इस पर ध्यान बनता है। पार्टिसिपेशन बच्चों का कैसा हो इस पर ध्यान बनता है। फिर फिजिकल फैसिलिटी के अर्थ में देखूँ, तो पहले ज्यादा टाइम और एफर्ट लगा रही थी, अब वो थोड़ा कम हुआ है। संबंध के अर्थ में थोड़ा बढ़ पा रहा है, और समझ के लिए बढ़ाने का मन बना ही रहता है। और ये भी फिर ध्यान आता है, पहले पहले तो ये परेशान होती थी कि मेरा मन बनता है समझ के अर्थ में काम करने के लिए, पर अपने जो व्यवहारिक जिंदगी है उसमें से निकाल नहीं पाती, तो उसकी गिल्ट सी बनती रहती थी और परेशान होती रहती थी। बट अब ये थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी बनती है कि जिस जगह भी, जिस स्थिति परिस्थिति में हूँ ना, मैं अपना ध्यान बनाए रखूँ, अपने सजगता बनाई रखूँ ना, तो ऐसा निर्णय होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें से ना सीख सीख लूं, ऐसा भी बना रहता है। और कहीं कहीं वो सीखना मेरे, मैं इवेल्युएट भी कर पाती हूँ ना, तो हर व्यवहार कार्य को करते समय उससे क्या समझ बन पाए, थोड़ा इतना फोकस रहने लगा है। फिर नेचर के प्रपोजल जितने भी हैं ना, जब भी विचारों में फैलाकर देखती हूँ, तो
तो स्वभाव और धर्म की क्लैरिटी होती दिखती है। जैसे बायो ऑर्डर के यूनिट्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन सारक मारक के रूप में, जब इस पर ध्यान बनता है तो फिर शरीर के पोषण संरक्षण के अर्थ में जो सिलेक्शन मैं कर रही हूँ ना, उनको देख पाती हूँ। जैसे मतलब मुझ में ऐसा डिटेक्ट हुआ कि आयरन डेफिशिएंसी है, तो फिर मतलब मैं कौन से चीजों से, जैसे अंजीर है या विटामिन ए है या विटामिन सी है, इनको लेने से मेरी वो आयरन की कमी है ना, वो उस रूप में मेरे शरीर को पोषण करेंगे, सारक होंगे, उसके अर्थ में मैं लेना शुरू किया है। और फिर ये भी किसी सेमिनार में, वर्कशॉप में सुना था कि जो चाय और कॉफी है वो आयरन को अब्जॉर्ब करती है, तो अगर वो ना लिया जाए तो वो ज्यादा ठीक रहता है। तो मैंने काफी पहले भी चाय कम की थी है ना, लेकिन वो छूट नहीं रही थी, तो लेकिन इस अर्थ में अब मैं छोड़ पा रही हूँ, मतलब इस क्लैरिटी के अर्थ में कि मैं देख पा रही हूँ कि कौन सा है ना सारक मारक के रूप में मेरे शरीर के लिए काम कर रहा है। इसी तरह स्किन की और बालों की मतलब टेक केयर जब भी करती हूँ, तो केमिकल प्रोडक्ट्स की जगह नेचुरल प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन हो रहा है। मतलब वो समझ बन रही है कि नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा भी इनका मैं टेक केयर कर पाती हूँ, तो सजगता जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। और इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन वो है वो थोड़ी थोड़ी जीने में आ रही है, और उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और आराम भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थोड़ी सी चेंजेस मैं महसूस कर रही हूँ। और कमिटमेंट में देखो तो समझने के लिए 2 घंटे लग ही पा रहे हैं, 1 घंटा मॉर्निंग सेशन चलते फिरते ही सुन पाती हूँ, लेकिन वो काउंट कर ही लेती हूँ। और फिर 1 घंटा किसी भी कंटेंट का पठन, मनन, चिंतन, श्रवण ये कर लेती हूँ। और जो ना कॉलेज में भागीदारी है उसमें वैल्यू बेस्ड, गोल बेस्ड सिलेक्शंस ये करने का प्रयास कर रही हूँ अब ना, बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ कंटेंट को मैं शेयर करने का भी प्रयास कर रही हूँ। लेकिन मेरी अभी कॉम्पिटेंस एक्सप्रेशन में भी कम है, समझ में भी कम है, तो उस रूप में जितना कर पाती हूँ वो ही कर पाती हूँ। और यूएचवी में भागीदारी भी थोड़ा पहले से कम हुई है, वॉलेंटियर में 1-1.5-2 घंटे ही होती है, जिसमें मैं मीटिंग टाइम को इंक्लूड कर लेती हूँ, तो किसी दिन आधा घंटा भी करती हूँ, किसी दिन 3 घंटे भी होती है, लेकिन जो मीटिंग्स अटेंड करती हूँ वो इंक्लूड करके इसमें लेती हूँ। और बच्चों के साथ भी प्रपोजल शेयर करती रहती हूँ जितना वो इंटरेस्टेड होते हैं। पर अभी हस्बैंड के साथ ये अनुकूलता नहीं बनी है, इसमें मुझे ऐसा लगता है मेरा मेरे जो पुराना है ना अभी वो अस्वस्थी नहीं है, तो लेकिन मैं उसके साथ अब परेशान नहीं होती हूँ, अपना अपना व्यवहार और अपने समझ के ऊपर ही काम कर रही हूँ। तो इतनी बात में परंपरा के प्रति और यूएचबी की सारी टीम के प्रति, गणेश सर के प्रति, कुमार भैया, जितेंद्र भैया, शर्मिला दीदी, उमेश भैया और मेरे सभी सारे को एक्सप्लोरर जो हैं ना, उनके प्रति कृतज्ञता के भाव से फिर मैं अपनी शेयरिंग को यहीं पे खत्म कर देती हूँ। एक वो जो संबंध के चिंतन को लेके मेरी जो घटना मैं अपने में विचार कर पाई थी, उसको शेयर करने का टाइम नहीं है, मैं बहुत पहले टाइम ज्यादा ले चुकी हूँ, तो कभी फिर मौका लगा तो मैं शेयर करूंगी। और उसके लिए एक्सपेक्टेशन भी होगी कि वो मैं ठीक डायरेक्शन में थी कि नहीं थी, बट वो अभी मैं नहीं कर पाऊंगी। धन्यवाद सभी का, आप सबका धन्यवाद। मैं संक्षेप में रख देता हूँ, शेयरिंग अच्छी रही। मनीषा दीदी को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, जिस तरह से दीदी जुड़ी थी, और वो एक डायरेक्टर के पद पे हैं खन्ना में कॉलेज में, और उसके बाद भी जो दीदी की सहजता है, सरलता है, निष्ठा है समझने के लिए, तत्परता है भागीदारी के लिए, उसको अभी हम सब लोग देखते रहे हैं। दीदी एक आस्था विधि से पहले चलती रही हैं, तो एक उस तरह का पहले संस्कार बना हुआ है। कुछ चीजों का मूल्यांकन करने में अभी थोड़ा समय लग रहा है, परंतु फिर भी जिस तरह से अपने ऊपर काम कर रही है, एक अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। और समय के साथ दीदी ने कुछ जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से स्वीकार लिया है, जैसे यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर्स की जो मीटिंग होती है उसको दीदी कोऑर्डिनेट करती हैं, तो इस तरह की जिम्मेदारियों को भी स्वीकार पाई हैं, और उसके साथ उनकी स्वयं की गति भी दिख रही है। इनफैक्ट वो जो हम लोग बात बार बार कहते हैं कि हम
स्वयं में जितनी गति करते हैं अपने आप में, उतनी हमारी भागीदारी में भी गति दिखाई देती है, और भागीदारी से आगे बढ़कर हम जिम्मेदारी में जाते हैं, उसको स्वीकार पाते हैं। तो इससे एक स्थिति दिखाई दे रही है। दीदी ने प्रस्तुति भी शुरू की है और अभी वर्कशॉप में कंटेंट भी ले रही हैं, तो बहुत अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। और जो एक सरलता है दीदी की, क्या यूँ कहें, अहमता का जो अभाव है वो बहुत उपयोगी है उनके विकास में। बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं दीदी आपके लिए। मनीषा दीदी, सभी को नमस्ते।